ओ सर, मैं आपको याद लगाना भूल गया रिकॉर्डिंग। यस हाँ कार्तिक है। हाँ रिकॉर्डिंग थी पिछले क्लास की। देखो उसको बताओ कौन से वाला टॉपिक आपने छोड़ा था वो बताओ मुझे कौन सी डेट का। आप सैटरडे आप मुझे डेट लिख के भेज दो मैं क्लास के बाद अपलोड कर देता हूँ ठीक है। ठीक है सर, सेकेंड। हाँ बताओ। हाँ सेकेंड मैं ऑफ डेट बेटा ऐसे याद नहीं रहेगा मुझे मैसेज में लिख दो ताकि मुझे याद रहे। अनिरुद्ध कैमरा ऑन करो। अनिरुद्ध फिर 2 मिनट में करता हूँ नेटवर्क थोड़ा खराब है फिर अच्छा मैंने रिपीट कर लिया अगर आप पूछने वाले थे। कर लिया। कार्तिक जी सर ने किया? कार्तिक था ही नहीं शायद क्लास में ना। मैं लास्ट क्लास में था सर। कई बच्चे होते हैं, सर कई बच्चे तो उनका पढ़ाई में ना इंटरेस्ट थोड़ा कम है मैं देख रहा हूँ। मैंने बोला था कि मैं 60 रुपये दूसरी क्लास होती है तो वो थोड़ा कितने बजे होती है? अच्छा एट 8:30 to 12:30 होती है, बट शायद अब से 9 to 1 होगी। मैम को कोई प्रॉब्लम है तो देखो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस बताओ। क्या कौन सी होते बार है? हैं हैं फर्स्ट हाँ चैप्टर फंक्शंस की बार। हाँ क्यों? ओके ठीक चैप्टर शुरू कर दें ये हमारा वो खत्म हो गया। अच्छा उसके एक तो सम रहते हैं अभी है ना एच ए एंड बी आर एनी टू सेट्स ये और भी क्या है ए और भी दो सेट है ठीक है। ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ए से बी तक रिलेशन को क्या आ जाएगा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इट्स फंक्शन। ए से बी तक रिलेशन को क्या कहा जाएगा फंक्शन इफ 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 एंड ओनली एवरी एलिमेंट If यही फिर रख लो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एज यूनिक इमेज इन सेट बी लेट ए एंड बी आर एनी टू sets a relation from a to b is said to be a function if every element of set a has unique image in set b। बच्चों फंक्शंस के बारे में क्लास 11th में काफी पढ़ चुके हैं। आई होप कि यू विल रिमेम्बर। ए की इमेज क्या है 1 बी की इमेज क्या है 2 सी की इमेज क्या है 3 डी की इमेज क्या है 4 यहाँ से यहाँ तक क्या है एफ क्या है फंक्शन ठीक है। जैसे ए सेट में 4 एलिमेंट है चारों की इमेज है और किसी भी एलिमेंट की इमेज एक से ज़्यादा नहीं है तो हम कहेंगे एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 3 एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 4 नहीं एफ ऑफ डी भी 3 है ठीक है। एफ ऑफ डी भी क्या है 3 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ ए 1 यानी कि ए की इमेज 1 है बी की इमेज क्या है 2 सी की इमेज 3 डी की इमेज भी 3 है ठीक है। तो ये फंक्शन हुआ। अब
हर एलिमेंट के लिए इमेज है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज नहीं है, राइट? जी, उसके बाद आती है टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अनिरुद्ध समझ रहे हो? टाइप्स ऑफ फंक्शन में, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम वैसे तो काफी सारी टाइप होती हैं, लेकिन हम दो ही टाइप पढ़ेंगे। एक वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, इसको वन टू वन भी बोल देते हैं, वन टू वन फंक्शन। और एक इसका नाम होता है इंजेक्टिव और इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन, ये सारे इसी के नाम है। वन वन फंक्शन के नाम क्या है? वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन मतलब वन टू वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। सेकंड होता है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, सर्जेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। पहले हम वन वन के बारे में बात करते हैं कि वन वन क्या होता है। वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन होता है जैसे कि ये एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है वन टू थ्री फोर फाइव, ये एलिमेंट है बी, ए बी सी डी ई, वन की इमेज ए है, टू की इमेज बी है, थ्री की इमेज सी है, फोर की इमेज डी है, फाइव की इमेज ई है, मान लो एफ भी है। तो एफ फ्रॉम ए टू बी, एफ ए से बी तक कैसा फंक्शन है? ये वन वन है, ठीक है, वन वन फंक्शन है। मान लो ये एक फंक्शन है, इसमें एलिमेंट है वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें एलिमेंट है वन टू थ्री फोर, ठीक है, फाइव। जैसे वन की इमेज दिस, टू की इमेज टू है, थ्री की इमेज भी टू है, फोर की इमेज फोर है, फाइव की इमेज थ्री है। इसमें क्या है? देखो एफ ऑफ टू कितना है? थ्री, ठीक है, एफ ऑफ टू कितना है? थ्री। इसी टाइप से एफ ऑफ थ्री कितना है? ये भी थ्री। दो एलिमेंट्स की एक सेम इमेज है, इम्प्लाइज नॉट वन वन, नॉट वन वन, ये फंक्शन वन वन नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन क्या नहीं है? वन वन नहीं है, समझे आप? राइट, ठीक है, ये फंक्शन वन वन नहीं होगा। तो वन वन, इस फंक्शन का नाम क्या होता है? फंक्शन जो वन वन नहीं होता उसका नाम होता है मीनिंग, मैनी वन। जो फंक्शन वन वन नहीं होता उस, ठीक है, मैनी वन फंक्शन। तो ये मैनी वन फंक्शन था, राइट, समझ आया? अनिरुद्ध, ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? ये फंक्शन, ये फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन। इसको हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे इफ एंड ओनली एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज। अगर हर एलिमेंट की कम से कम क्या हो? एक प्री इमेज हो। अगर हर एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज है तो फंक्शन को कैसा क्या कहा जाएगा? ऑन टू। जैसे देखो ये ए सेट है, ये बी है, इसमें एलिमेंट है वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू ए बी सी डी, ठीक है। वन की इमेज क्या है? ए, टू की इमेज बी, थ्री की इमेज भी बी, फोर की इमेज सी, फाइव की इमेज डी। यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं जी, जी इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब अगर आप कोडोमेन को देखोगे, कोडोमेन में जी है, ये है, ए है,
ए की प्री इमेज कौन है, वन, ठीक है। बी के लिए दो प्री इमेजेज हैं, टू एंड थ्री। सी के लिए एक प्री इमेज है, फोर। डी के लिए क्या है, फाइव। हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज है, ठीक है। प्री इमेज ऑफ ए क्या होगी, वन। प्री इमेज ऑफ बी, बी की दो प्री इमेज है, टू एंड थ्री। सी की कितनी प्री इमेज है, चार, एक है मतलब चार। डी की प्री इमेज है, पांच। हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज है, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं है। हम कहेंगे इम्प्लाइज जी इज ए वन टू फंक्शन। जल्दी आती है, जी इज ऑन टू फंक्शन। जी कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, राइट। जी कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। अब जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक सी टू डी, वन टू थ्री फोर फाइव, एक्स वाई जेड पी क्यू। वन की इमेज एक्स है, टू की इमेज वाई है, थ्री की इमेज वाई है, फोर की इमेज ये है, फाइव की इमेज, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मान लो कैसा फंक्शन क्या है, एच। एच इज ए फंक्शन फ्रॉम सी टू डी। एच कैसा फंक्शन है, सी से डी तक फंक्शन है, सच दैट सी ऑफ वन, एच ऑफ वन, एच ऑफ वन कितना है, एक्स के इक्वल है, इस टाइप से, है ना। एच ऑफ टू कितना है, वाई के इक्वल है। एच ऑफ थ्री कितना है, वाई के इक्वल है। एच ऑफ फोर कितना है, जेड के इक्वल है, ठीक है। एच ऑफ फाइव कितना है, पी के इक्वल है, समझे आप। ऐसे तो यहाँ पर एक एलिमेंट को डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है, Q does not have any प्री इमेज, Q does not have any प्री इमेज, क्योंकि कोई प्री इमेज नहीं है। इम्प्लाइज Q इज नॉट ए फंक्शन, H इज नॉट ए फंक्शन, H इज नॉट ए, H फंक्शन नहीं है। एच क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। एच इज नॉट ए फंक्शन। तो अगर कोडोमेन सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब वन वन प्रूव कैसे करेंगे, जब वन वन आपको प्रूव करना है किसी भी फंक्शन को, तो आप दो एलिमेंट लोगे एक्स वन एक्स टू। आप ये शो करोगे कि एफ एक्स वन, आप ये अज्यूम करके चलोगे कि दो एलिमेंट्स की इमेज बराबर है। एंड अगर आप प्रूव करते हो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, वन वन। अगर आपका आ जाता है कि एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, तो ये फंक्शन हो जाएगा आपका नॉट वन वन, ठीक है, नॉट वन वन। दो एलिमेंट हैं आपके पास जिनकी इमेज बराबर है, दो एलिमेंट हैं डोमेन में, दो एलिमेंट हैं जिनकी इमेज क्या है, एक है, ठीक है। ये एक्स वन एलिमेंट है, ये एक्स टू एलिमेंट है, और इन दोनों की इमेज क्या है, एफ एक्स वन या फिर एफ एक्स टू, और दोनों की वैल्यू बराबर है, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। तो हम क्या कहेंगे कि दोनों एलिमेंट्स की इमेज एक है। अगर दोनों एलिमेंट्स की इमेज से एक है, तो फिर एलिमेंट भी एक ही होना चाहिए, नहीं तो ये फिर वन वन फंक्शन नहीं बनेगा। दो एलिमेंट्स की इमेज एक है, तो ये दोनों एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए, तभी ये फंक्शन वन वन होगा। अगर आ गया कि एक्स वन, ये दोनों की इमेज एक है बट ये एलिमेंट अलग अलग हैं, तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉट वन वन। ऑन टू के लिए क्या करेंगे अनिरुद्ध, ऑन टू के लिए करेंगे कि को डोमेन का एक एलिमेंट लेंगे, वाई बिलोंगिंग टू को डोमेन, को डोमेन सेट में, को डोमेन सेट में एक एलिमेंट लेंगे और ये शो करेंगे विच डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, डज नॉट हैव एनी प्री इमेज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। देखो जरा एक्सरसाइज पे आ जाओ। अरे कैमरा ऑन करो भाई, अनिरुद्ध क्या हो गया, ऐसे तो नींद आ जाएगी तुझे।
या दूसरे सब्जेक्ट का काम कर रहे हो? अनम्यूट कार्तिक के मैसेज पढ़ो, अनम्यूट ने क्या लिखा है? अरे दोनों में से किसी की आवाज नहीं आ रही मुझे, क्या है? आवाज आ रही है, सर इसकी आवाज आ रही है, अब तो आ रही है। सर क्या आप ये पार्ट वापस समझा सकते हो? ये बोला ये पार्ट वापस समझा दो जो आपने लिखा था, आया नहीं। दिखा दो मैं। कार्तिक क्या कह रहे हो? अनिरुद्ध क्या कह रहे हैं? अनिरुद्ध क्या कह रहे हो? अनिरुद्ध क्या कह रहे हो? कार्तिक आप बोलना। क्या कह रहे हो अनिरुद्ध? अनिरुद्ध क्या कह रहे हो? अनिरुद्ध यस सर जो आपने लिखा था वन प्रूव करने के लिए, वन प्रूव करने के लिए दो डोमेन के दो एलिमेंट लेंगे और ऐसे एलिमेंट लेंगे उनकी इमेज बराबर है। वन प्रूव करने के लिए डोमेन के दो एलिमेंट लेंगे ऐसे एलिमेंट लेंगे उनकी इमेज बराबर है, और हम ये प्रूव करेंगे उनकी वो एलिमेंट भी बराबर है। अगर इमेज इक्वल है और अगर वो एलिमेंट भी बराबर है तो फंक्शन हो गया 1-1, ठीक है। लेकिन अगर इमेज इक्वल है और एलिमेंट बराबर नहीं है तो मतलब होगा दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1-1 नहीं बचेगा, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हो उसका? एग्जांपल तो शुरू करेंगे, अभी एग्जांपल लिया का है, जैसे वो है नहीं कैसे करेंगे। देखो जरा इधर आओ, एक्सरसाइज 1.1 1.2 पहला क्वेश्चन है पीछे कौन सा एफिजे ना ना पीछे नहीं जा रहा, अब ये समझो आप एफिजे फंक्शन फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार। देखो जरा इधर देखो, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ध्यान से सुनो क्या प्रूव करना है। सो दैट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, 1-1 फंक्शन प्रूव करना है। तो मैंने बताया है कि जब 1-1 प्रूव करना हो तो दो एलिमेंट लो जिनकी इमेज बराबर है, x x तो दो एलिमेंट ले लिए तो उनकी इमेज बराबर है। इमेज का मतलब है x1 एलिमेंट की इमेज होगी f(x1), x2 एलिमेंट की इमेज होगी f(x2). क्यों होगी? मान लो ये एलिमेंट x1 तो f(x1) यहाँ होता है, f(x1) जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर होती है और इस एलिमेंट की इमेज होती है, ठीक है अनिरुद्ध? यस सर। अनिरुद्ध की आवाज नहीं आती, अगर मैं आवाज तेज कर देता हूँ तो और लोगों की आवाज मेरे कान फोड़ देती है। अनिरुद्ध ठीक है, आप इस फंक्शन को 1-1 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? आर ये सुन रहे हैं बस, थोड़ा बहुत नाम नाम कर, x1 x2 दो एलिमेंट लिए डोमेन के, सच देन उनकी इमेज क्या है? बराबर है। अब अगर आप ये प्रूव कर पाए कि x1 इज इक्वल टू x2 तो ये फंक्शन 1-1 हो जाएगा, और अगर ये नहीं कर पाए मतलब आपने आपका प्रूव ये हुआ कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2
एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू का मतलब है कि यहाँ दो अलग अलग एलिमेंट है और उन दोनों की इमेज बराबर है, तो जब दो एलिमेंट्स की इमेज बराबर हो तो फंक्शन वन वन ही होता, दो एलिमेंट्स की इमेज सेम हो तो फंक्शन क्या नहीं होता, वन वन नहीं होता, ठीक है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई, ये दिया हुआ है। हम मान लेते हैं लेट एक्स वन एक्स टू दो एलिमेंट हैं और आर स्टार में बिलोंग करते हैं। अनिरुद्ध, हमने एक्स वन एक्स टू दो एलिमेंट ले लिए किसके, आर स्टार के, तो गेम तो नहीं खेल रहे, सच दैट कार्तिक गेम तो नहीं खेल रहे हो, नहीं सर बुक एक्स वन एक्स टू दो एलिमेंट लिए आर स्टार के, इस सेट के ऐसे एलिमेंट लिए हैं कि उनकी इमेज बराबर है, यानी कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, आर स्टार के हमने दो एलिमेंट लिए सच दैट उनकी इमेज बराबर है। अब अगर उनकी इमेज बराबर है, एक बात बताओ, उनकी इमेज बराबर है तो क्या होगा बताओ, उनकी इमेज बराबर है तो ये होगा कि एफ एक्स वन की वैल्यू कितनी आएगी अनिरुद्ध, वन बाई एक्स वन, एफ एक्स टू की वैल्यू कितनी आएगी, वन बाई एक्स टू, ठीक है। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, यहाँ से आ जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो देखो ये प्रूव हो गया कि एलिमेंट एक्स वन, अनिरुद्ध पेज पलटना बंद करके इधर ध्यान से समझ लो, फिर ये समझ नहीं आएगा। फालतू की चीजों में क्यों लगे रहते हो, जब मैं बोल रहा हूँ तो सिर्फ मेरा ही देखना चाहिए, मेरा ही सुनना चाहिए, कुछ भी करने में लगे हो फिर कहोगे समझ नहीं आया। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, आपके वोट हिल रहे हैं बस, तेरे माइक के साथ समस्या क्या है, अनिरुद्ध सर? हाँ तो आवाज आ रहा है क्या? अब तो आ रहा है पर हर बार बोलना पड़ता है तुझे, तेरे माइक में दिक्कत क्या है? कार्तिक है तो उसको तो आ रहा है मेरा आवाज, कार्तिक को कुछ बहुत धीरे आ रहा है सर, मुझे एकदम परफेक्ट यार, तो मुझे तेरी आवाज आ रही है, अनिरुद्ध की आवाज में क्या हो गया है? और क्या अब तो जरा भी नहीं आई, बस मुझे ये दिख रहा है कि बोल रहा है। हाँ भाई जी बोलो, कुछ नहीं मैं कर लिख रहा हूँ, तो जब मैं लिख रहा हूँ तो समझा करो ना, तुम तो कुछ भी करते रहते हो, फिर समझ कैसे आएगा, बटे हुए थे इसीलिए वो देख रहा था। थोड़ा खाना वाना खाए तो ठीक से, आवाज नहीं निकल रही है मुझसे। हमने ये लिया था कि सेट आर स्टार एक्स वन एक्स टू दो एलिमेंट है, वो आर स्टार में बिलोंग करते हैं, मतलब डोमेन में बिलोंग करते हैं, और कैसे एलिमेंट है कि उनकी इमेज बराबर है, यानी कि एफ एक्स वन एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो एफ एक्स वन की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन एक्स वन, एफ एक्स टू की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन एक्स टू, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। वैसे प्रोकल करेंगे तो जब एक्स वन इज इक्वल टू, अगर आप ये मान के चले हो और ये प्रूव कर देते हो तो इसका मतलब होता है फंक्शन वन वन है, अगर आप ये मान के चले हो और ये प्रूव कर देते हो तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन वन वन है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए देखो, एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, कौन बताएगा एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? अनिरुद्ध ऑल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, जोर से बोल यार सर, ऑल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, यहाँ से यहाँ डिफाइंड है, रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, होल नंबर नहीं, रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, मतलब बोला सर। हाँ तो यहाँ पर जीरो को छोड़ के बाकी सारे नंबर हैं आर स्टार में, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या करेंगे बताओ, ऑन टू है या नहीं? तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्या नहीं होगा? नहीं ऑन टू होगा ये, क्योंकि अगर हाँ ऑन टू हो गए, क्योंकि हर एक का एक हर एक एलिमेंट मैप्ड होगा ना इसमें,
आर स्टार क्या है? आर स्टार है सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो को छोड़ के सारे नंबर लिख दिए जाएं तो आर स्टार हो जाता है। आर स्टार क्या है? आल ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। बताओ ऑन टू होगा कि नहीं होगा? आर स्टार सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है सर? नहीं होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई? नहीं होगा। एफ एक्स इज एक्स इतना हो जाएगा, एफ एक्स इतना, वन बाई एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? एक्स की वैल्यू आ गई वन अपॉन वाई, ठीक है। वाई क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट, नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट। तो एस वाई क्या है? रियल नंबर, ठीक है। वन अपॉन वाई भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। क्यों होगा? एस वन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई जीरो की इक्वल नहीं है, ठीक है। तो एक्स कितना आ गया? वन अपॉन वाई, वाई की आप कोई भी वैल्यू ले लो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना, क्योंकि रियल नंबर का रेसिप्रोकल रियल नंबर ही होता है। वाई को आप जो भी नंबर दोगे एक्स उसका उल्टा आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स करते हैं तो इसके इक्वल आता है वाई के इक्वल, मतलब ये फंक्शन ऑन टू हो गया, ठीक है। ये फंक्शन ऑन टू हो गया। चलो इसके सेकंड पार्ट में बोला कि दिस रिजल्ट इज ट्रू If R star is replaced by R with no, replaced by N domain, natural numbers का set तो इसका domain बन गया, और N domain sir in one one तो होगा और इसको रखा जाए। चलो वन वन ऑन टू ट्राई करो, बस मैं एक मिनट में आ रहा हूँ।
बच्चे हुआ आपका सम? हाँ सर हो गया। x दिखाओ जरा कैसे क्या? x one x two मत दिखाओ। मैं बस लिखा it won't be the same because the function नहीं, नहीं, will not x one x two कोई दो natural number है such that f x one is equal to f x two। f x one किसके बराबर है? f x two के बराबर है। तो f x one क्या आएगा? f x one क्या होगा? one upon x one one upon x two। तो यहाँ से आ जाएगा x one is equal to x two। ठीक है। इसमें ये लिख सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स वुड नॉट बी मैप्ड इन द कोडोमेन, सो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या कह रहे हो अनिरुद्ध? नेगेटिव नंबर्स मैप नहीं होंगे कोडोमेन में, सो देयरफॉर इट्स नॉट ऑन। कोडोमेन में नेगेटिव नंबर कोडोमेन में मैप नहीं होंगे? क्यों अनिरुद्ध, क्यों? सर डोमेन में नेचुरल नंबर्स है एंड कोडोमेन में रियल नंबर्स है। तो नेगेटिव नंबर कोडोमेन में मैप नहीं होंगे का क्या मतलब है? नेगेटिव नंबर कोडोमेन में मैप नहीं होंगे। नेगेटिव नंबर है कहाँ आपके पास जो मैप करने हैं? तो अगर माइनस वन लो आप नंबर, कहाँ लोगे माइनस वन? अगर कोडोमेन में माइनस वन है बट डोमेन के कोई एलिमेंट उसे मैप नहीं करता, उसको बेटा सीधा सीधा ऐसे लिखो, उसको सीधा सीधा ऐसे लिखो, ऑल नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स ऑफ कोडोमेन, नेगेटिव नंबर्स ऑफ कोडोमेन, उसको सीधा सीधा ऐसे लिखो, नेगेटिव नंबर ऑफ कोडोमेन डू नॉट हैव नंबर्स, डू नॉट हैव एनी प्री इमेज। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स की कोई प्री इमेज नहीं होगी। ठीक है, जैसे वन की इमेज वन अपॉन वन मिल जाएगी, टू की इमेज वन अपॉन टू मिल जाएगी, थ्री की इमेज वन अपॉन थ्री मिल जाएगी, फोर की वन अपॉन थ्री। नेगेटिव नंबर्स डू नॉट हैव एनी प्री इमेज, इधर जो नेगेटिव नंबर होंगे उनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, इम्प्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू, एफ ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स की प्री इमेज नहीं है इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो अगर ये होगा, ठीक है चलो आगे। यस सर, सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? आप म्यूटेड हो, वो कब हो गया? f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू n सच दैट डेफिनेशन दी हुई है f(x) = x2। वन वन प्रूव करने के लिए, वन वन प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है? डोमेन के दो एलिमेंट ले लिए जाते हैं। सॉरी, तो हमने x1 x2 दो एलिमेंट ले लिए और ऐसे एलिमेंट लिए कि उनकी इमेज बराबर है। This implies f x1 क्या होगा? x1 का स्क्वायर। f x2 क्या होगा? x2 का स्क्वायर। और x1 x2 क्या थे? दो नेचुरल नंबर थे। नेचुरल नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करते हो, नेचुरल नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करते हो तो उनके स्क्वायर क्या आएंगे? 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर बराबर होते हैं। तो अगर किसी दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर बराबर है तो क्या होगा? नेचुरल नंबर भी तो बराबर होंगे। ठीक है, दो नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर बराबर है तो वो नंबर भी बराबर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर बराबर हो और वो नंबर बराबर ना हो। ठीक है, तो यहाँ से आएगा x1 = x2।